कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं जैसलमेर व्यापार महासंघ के जिला जैसलमेर व्यापार महासंघ के इस प्रथम सम्मेलन में मंच पर विराजमान हमारे अतिथि जैसलमेर के लोकप्रिय विधायक श्री छोटू सिंह जी भाटी साहब, जिला प्रमुख अंजना जी, बहन कविता जी, जिला प्रधान भगी साहब, आयकर अधिकारी जी, इनकम टैक्स अधिकारी जी और हमारे संरक्षक सम्मानित मंच तथा सभी व्यापारी बंधुओं, विश्व मानचित्र पर पर्यटन नगरी के रूप में पहचान बना चुकी स्वर्ण नगरी जैसलमेर आज से वर्षों पहले व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र रही है। आज़ादी के बाद जैसलमेर में व्यापार का रूप बदल गया, किंतु आज पर्यटक एवं पत्थर के कारण जैसलमेर में व्यापार की नई संभावनाएं खुली है। इसी के साथ इससे मिलते जुलते नए व्यवसाय यहाँ खुलने लगे हैं जो जैसलमेर के विकास में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। ज्यो ज्यो नए धंधे बढ़े हैं, नए लोग जुड़े हैं, क्यों क्यों नई नई समस्या हमारे सामने भी लगी है। व्यापार जगत की विभिन्न समस्याओं को दूर करने एवं विभिन्न व्यापारी गतों को आपसी समझन से स्थापित करने के उद्देश्य से जैसलमेर व्यापार महासंघ का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष का दायित्व मुझे सौंपा गया है। इसके लिए मैं समस्त व्यापारी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस विश्वास पर कर यह दायित्व दिया है। व्यापार महासंघ का मूल उद्देश्य जैसलमेर के विभिन्न व्यवसायों में लगे व्यापारियों के आपसी सहयोग एवं समर्थ विकसित करते हुए व्यापारियों को समस्याओं को दूर करना। आज जीएसटी की जटिलताओं के कारण कई व्यापारी व्यापार करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, साथ ही आए दिन होने वाले निरंतर विभिन्न आंदोलनों के कारण व्यापारियों को जान माल का डर सताता रहता है। ऐसे समय में महासंघ का प्रथम कार्य रहेगा कि वह शहर के समस्त व्यापारियों को सुरक्षा का भाव पैदा करते हुए बिना भय व्यापार का बोध प्रदान करे, साथ ही जीएसटी और व्यापार की अन्य जटिलताओं को दूर करने के लिए सेमिनार इत्यादि का समय समय पर आयोजन कर उन्हें टैक्स संबंधी नियमों की जानकारी देना, ताकि छोटे व्यवसायी नियमों को सही रूप से समझ कर अकारण भयभीत न हो। आज के इस आयोजन में बड़ी संख्या में आप लोग बताए, इस आयोजन को सफल बनाने में आपने सहयोग किया, इसलिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय जैसा। सब्जी वाले उनकी सब्जी खराब होती है, चाय वालों का दूध खराब होता है।
होता है, इसके अलावा बैंकों के मंच पर आसीन आदरणीय प्रमुख जन सभागार में आप उपस्थित सभी सदस्य व्यापारी गण, सबसे पहले तो मैं आप सभी को जैसलमेर व्यापार महासंघ के गठन पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसकी वास्तव में आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, क्योंकि हम जहाँ सरकारी विभाग के अधिकारी हैं, हम भी देखते थे कि कोई भी मैसेज पहुँचाने के लिए हमें अलग अलग ट्रेड यूनियन के पास जाना पड़ता था। अब इतना अच्छा काम हो गया, एक महासंघ होने से विभाग की सरकार की कोई बात एक मंच के माध्यम से हम आप सब तक पहुँचा सकेंगे। दूसरा, जहाँ तक आयकर विभाग का प्रश्न है, आयकर विभाग सदैव अपने करदाताओं की समस्याओं का ध्यान रखता आया है। दिन प्रतिदिन प्रत्येक कार्य में सरलीकरण किया जा रहा है। कंप्यूटराइज होने के बाद में लगभग समस्त कार्य पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। आप घर बैठे अपनी रिटर्न भर सकते हैं, कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। सदैव विभाग आपके साथ रहा है, आपकी किसी भी समस्या के लिए आप जब चाहें मेरे कार्यालय में आ सकते हैं। कोई भी समस्या हो, मैं वचन देता हूँ किसी भी प्रकार की विभाग की तरफ से आपको प्रताड़ना नहीं होगी। आप अपना रिटर्न समय पर भरें, ड्यू टैक्स जमा करें, विभाग इतना ही चाहता है। जैसलमेर व्यापार संघ के महासंघ के प्रथम कार्यक्रम में सम्मानित मंच, सभी यहाँ उपस्थित व्यापारीगण और संस्था से जुड़े हुए सभी सदस्यगण, सबसे पहले तो मैं शायद अपन सब भाग्यशाली हैं, चाहे मंच पर बैठे हों चाहे सामने हॉल में सब विराजमान, कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है और जो भी इसके भागीदार बने हैं उन सबको तहे दिल से मैं बधाई देती हूँ कि शायद आने वाले समय में ये एक नई शुरुआत होगी जो अपने जैसलमेर के लिए एक नया इतिहास रचेगी। सबसे और विशेषकर परम सम्मानीय गुलाब जी मेहरा जो अध्यक्ष हैं, आपकी पूरी टीम को का नाम ले लेके सबको, सभी जो इस में पद प्राप्त किए हैं उन सबको तहे दिल से मैं बहुत बधाई देती हूँ। और पद मिलने के बाद शायद खुशी से ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, तो मुझसे ज़्यादा और कौन समझेगा। तो आप ये बहुत कांटों का ताज होता है, इसको अगर ये भी कहें तो भी गलत नहीं होगा। जो जिनको नहीं मिलता वो सोचते कि सबको पद मिलना चाहिए, वो संभव नहीं है। इसमें भी अगर किसी को भी पद नहीं मिले, जो भी अपने सबसे जुड़े हुए हैं सब मिलकर काम करेंगे तो जिनको भी पद मिले तभी वो इस महासंघ का जो उद्देश्य है वह पूर्ण हो पाएगा। इस मंच के माध्यम से भी मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, चाहे प्रशासन हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे मीडिया बंधु हो, चाहे व्यापारी गण हो या अन्य जो समाज सेवी हो, अपन सब एकजुट होकर और ये इस संघ के लिए प्रयास करेंगे, तभी इसका सार्थकता या इसके जो जिस उद्देश्य से ये बनाया गया वो पूर्ण होगा। सबसे पहले मैं व्यापार संघ जैसल में के सभी सदस्य छोटाभियों अध्यक्ष मेहरा साहब को बधाई देता हूँ कि आपने जिले में एक सफल और अच्छी पहल की। हमें भी पता चला कि व्यापार संघ के सदस्य आज यहाँ बैठे हैं, और मुझे भी पहली बार, शायद परिवार में भी पहली बार मौका मिला होगा किसी सदस्य को व्यापार संघ की बैठक में भाग लेने का। आज मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय विधायक खुशी त्रिपाठी साहब, जिला प्रमुख हुए रंजना जी, नगर परिषद सभापति कविता जी, विक्रम सिंह जी भाई साहब, मेहरा जी, नागरा साहब, अहमद जी, टावरी साहब, मलबा जी, मोजा साहब, कुमारदास जी, विक्रम सिंह साहब, राजे साहब, निकला साहब, आप सभी शहर के वरिष्ठ नागरिकगण, मेरे युवा साथी, आज व्यापार संघ की बैठक में जब मुझे मौका मिला और
आए दिन कांगड़ा साहब ने कहा कि हमें व्यापारियों के साथ जैसलमेर में से कोई भी रैलियों का आयोजन होता है तो जैसलमेर में व्यापारियों को हमेशा इस तरह का सामना करना पड़ता है। साल में कम से कम 8-10-5 बार तो बंद किया जाता है, लेकिन ये कुछ ऐसी घटनाएँ हुई होगी, लेकिन इस संघ से जो भी नई पहल हुई है, नए संघ सदस्य बने हैं, संरक्षण बने हमारे बीच में, तो आने वाला जो समय है वो जिसमें कि आप संघ के जो सदस्य बने हो, मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई आपसे सभी जनप्रतिनिधि आपको जितने आपसे एक सामंजस्य बनाकर जैसे वैसे कोई अच्छी दिशा देंगे। व्यापार महासंघ द्वारा आयोजित आज इस समारोह में आदरणीय व सम्मान्य पंचासी नगरीगण तथा यहाँ विराजित समस्त व्यापार संघ के अधिकारी पदाधिकारी और व्यापारीगण शहर के प्रमुख नागरिक हैं। सबसे पहले मैं सभी व्यापार संघ के पदाधिकारियों को सदस्य गणों से जुड़े हुए सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय पंचासी नगरीगण सम्मानित व्यापारी बंधु, जैसलमेर व्यापार महासंघ के गठन पर आप सभी जैसलमेर के व्यापारी बंधु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लेंगे, खुद अपॉइंट बहुत ही बातें मैं अपने मेरे अपने विचार से आपको बताना चाहूँगा। पहला मेरा ये आग्रह रहेगा कि जैसलमेर व्यापार महासंघ की सीमाओं का विस्तार करते हुए उसके शहर के बाहर की परिधि से जाकर पोखरण, नाचना, मोहनगढ़, रामगढ़ से भी व्यापार एसोसिएशन की जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी इसमें शामिल किया जाए। दूसरा मेरा ये आग्रह रहेगा कि जैसलमेर व्यापार महासंघ का एक सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बने, फिर इसमें जितने भी रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स के अपने डीलिंग होती है उन सब के स्पोक्स पर्सन को इसमें आप शामिल करें। इससे क्या होगा, आज जैसे मैं आता है अपने GST डिपार्टमेंट की बात करूँगा, आपकी मेल आई डी CA की दी हुई है या आपकी खुद की भी दी हुई है, तो हमारे कोई भी इंक्वायरी कुछ होती है, आप लोगों की कमी पेशी होती है, हम नोटिस भेजते हैं आपके मेल आईडी पर, उसको चेक ही नहीं किया जाता। हम वेट नोटिस भेजने के बाद वेट करते हैं 15-20 दिन में व्यापारी का रिप्लाई आएगा, कोई रिप्लाई नहीं आता, अल्टीमेटली वापस ऑन कॉल जाना पड़ता है, एक एक को फोन करना पड़ता है कि आपको तब भेजा गया था इसको आप देखें। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जिसमें आपको सीधा मैसेज डाल दिया जाए तो आप भी क्या वापस अपने सब ग्रुप बनाए, एक एक ट्रेड का वापस व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए, वो उसमें वापस वो संदेश कम्युनिकेट कर सकें। तो इससे क्या होगा कि डिपार्टमेंट या जो भी स्कीम्स होगी वो सीधी की सीधी आपको कम्युनिकेट हो जाएगी। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय मैडम की घोषणा थी कि एमएसटी स्कीम लाई जाएगी, इसके लिए मिसमैच का अभियान भी चला रहा है। हमने लगभग जैसे कि मेरे वार्ड के 50-50 फर्स्ट एंड सेकेंड में 100 व्यापारियों को ITC मिसमैच के नोटिस दिए और लगभग 85 व्यापारियों ने अपने बिल पेश किए कि हमारी ये ITC की जो है मिसमैच इसको सुधारा जाए, 50 के अपने पास बिल ही नहीं है, तो ये कम्युनिकेशन गैप रह गया। इसी तरह अलग अलग हेड में आप GST की क्योंकि रिटर्न फाइल हो रहे हैं तो रिपोर्टिंग आ रही है, रिपोर्टिंग फाइल में हो रहा है कि जितने डीलर्स हैं आज रिटर्न ही नहीं भरे, कोई रिटर्न है तो बिल के भरे, टैक्स नहीं भर रहा है, पहले के वैट के टर्न ओवर में और GST के टर्न ओवर में मिसमैच आ रहा है, ट्रांसफर में जो डाटा आ रहा है और वो मैच नहीं खा रहा, GST R1 में जो डाटा आ रहा है, 3 में डाटा जा रहा है वो मैच नहीं खा रहा है। ये अलग अलग हेड में अलग अलग व्यापारी के रिश्ते कैसे सबको कम्युनिकेट करें, तो ऐसा एक सोशल मीडिया पे ग्रुप हो तो ये थोड़ा सा क्या है फास्ट मूविंग हो जाएगी। थैंक यू। लक्ष्मीनाथ जी के चरणों में नमन। सम्मानित मंच बधाए हुए आप सभी प्रमुखगण, सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जैसलमेर में एक ऐसे महासंघ का गठन हुआ जो कि बहुत कम देखने को मिलता है कि 36 कॉम साथ आकर के व्यापार, पहले एक वर्ग में हुआ करता था, अब 36 ही कॉम व्यापार कर रही है और 36 ही कॉम के शायद 40 अलग अलग संगठन साथ आकर के ऐसा महासंगठन बनाया आपने और उसमें ऐसा कुशल नेतृत्व आपको मिला जो कि हम सबके लिए देखने वाला है और मदन लाल जी और आप परमादरणीय मेहरा साहब, तो आप लोग और सभी जो आप लोग विराजे हुए हैं, आप लोगों ने ये सोच जो लाई इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत इतना मैं तो खुद संरक्षक बनाकर मैं खुद यहाँ पर एक विद्यार्थी हूँ,
मुझे खुद आप लोगों से सीखना चाहिए लक्ष्मी जी कैसे संचित करते हैं और कैसे व्यापार किया जाता है, तो मुझे तो यहाँ ज्ञान ही मिलेगा। पर जैसे भी पहले बात चली कि व्यापारी वर्ग हमारे यहाँ से छोड़ छोड़ करके बाहर बहुत गए, मैं नाचना से भी देखता हूँ, जैसलमेर से भी देखें आप, रामगढ़ से भी देखें, तो कहीं ना कहीं ये दुख लगता है कि जब हमारे यहाँ इतनी संभावना है, पूरा विश्व यहाँ आता है, तो जो पैसा यदि हम वो नहीं कर सकते, आज ये जो किले महल स्कूल कॉलेज आप देखेंगे तो सभी व्यापारी वर्ग भामाशाहों ने बनाए, तो जैसलमेर में अभी भी आप यदि देखें तो मूलभूत सुविधाओं की कमी है, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट हो। तो यदि सरकार के पास वो पैसा नहीं है तो हम भामाशाह आगे आए, जो पैसा हमने बाहर जाके कमाया है हम अपने भाई भतीजों सबको गए संचित करके जैसलमेर में लाए और स्कूल कॉलेजों और मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनमें हम लगा सकते हैं और सौंदर्यीकरण में भी लगा सकते हैं। अभी भी हमारी लाइटें भी बंद पड़ी हैं, आज विश्व विख्यात किला है पर लाइटें बंद है, तो ये सब दुख की बात है। इवन छोटी क्लासेस मैं चाहूँगा कि हम शुरुआत करें कि प्लास्टिक की क्लासेस बिल्कुल बंद हो, थैलियाँ तो फिर भी अभी लोग यूज़ करें पर प्लास्टिक की क्लासेस से शुरुआत हो, जो ये पैसा है या तो हम वापस आके यहाँ व्यापार चालू करें जिससे कि और लोगों को भी लाभ मिले, हम बच्चों को कहें, आप देखेंगे युवा वर्ग अभी करीब करीब सभी बाहर जा रहे हैं, तो उसकी जगह जैसलमेर में नए बिजनेस चालू करें जिससे और लोगों को भी उसमें सहायता मिले, कई जॉब्स क्रिएट हों, परंतु वो नहीं हो सके तो वापस जैसलमेर में धन आए, धन आकर के जन धन में उसमें लगे, जन लाभकारी योजनाओं में लगे। यहाँ पर मेरे ख्याल से मूलभूत रूप से अगर आप देखें तो वेस्ट मैनेजमेंट और पानी का रिजर्वॉयर, ये दो अगर सुविधाएं अच्छे से डेवलप हो जाएं, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की स्कीम भी है कि 1/3 अगर पैसा आप देते हैं तो बाकी 2/3 गवर्नमेंट लगाती है, तो ऐसा कुछ अगर हम सब मिलकर के भामाशाह ढूंढें जो कि हमारे में कमी नहीं है, मेरे ख्याल से जो व्यापारी वर्ग है जैसलमेर का जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग फैले हुए हैं, तो हम कोशिश करें तो जैसलमेर में एक नई पहल करके हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं वो पूरी सुधर जाए। आप लोग सबने जो ये मान सम्मान दिया है इसके लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे यही आपसे आशा है कि मैं मिलता रहूँ आपसे और आपसे ये सब कुछ सीखने को मिले, नई नई बात है। धन्यवाद। सम्मान्य मंच सभागार में उपस्थित सभी व्यापारीगण, मीडिया बंधु और विभिन्न बातों से पधारे हुए बंधुओं, सर्वप्रथम मैं जैसलमेर व्यापार महासंघ के गठन पर्व में आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। विशेषकर मैं गोपी किशोर जी मेहरा को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि आपके नेतृत्व में ये संघ जिस उद्देश्य के लिए गठित किया गया है उस उद्देश्य में सफल होगा और जो जनहित के कार्य भी इसमें शामिल किए जाएंगे। टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूँ कि जब भी आप कोई कॉन्फ्रेंस या सेमिनार आयोजन करेंगे तो GST या आयकर से संबंधित है, हमारा पूरा पूरा उसमें सहयोग रहेगा। हम भी टैक्स कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और आपसे भी निवेदन रहेगा कि महासंघ भी उसमें पूरा पूरा अपना सहयोग करें। मैं पुनः आप सभी को इस गठन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। जय जय जैसा की इस पहली मीटिंग में पता हुए समस्त व्यापारियों में मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोग आए और मैं धन्यवाद दूंगा कि गोपी किशन जी जैसे कैप्टन के नेतृत्व में तो मैं बदल रहा थी जैसे लोग अनुभव यादव नेतृत्व में अपना जो संघ बनाया है ये व्यापारियों के हित के अंदर इनके लिए बहुत आगे बढ़ के काम करेंगे और जो भी समस्या है अपन अलग अलग कंट्र से अलग अलग बिजनेस से काम करते हैं और बहुत सारी सबकी अलग अलग समस्या होती है और उनको अपन सब मिल करके मत प्रदान किया उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और आपने मुझे विक्रम सिंह राजपूतन को भी एक छोटा व्यापारी हूँ आपने मुझे यहाँ इस जगह जगह दी उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूँगा जो मंच पर बैठे हैं ये लोग अपन हमारे बीच में टाइम निकाल उसके लिए मैं बहुत बहुत मंच का आभार प्रेरण करता हूँ। लेकिन ये जो बैठे हैं सब जानते हैं ये सब गरीबी दे रहे हैं और ये परिवार अपना खुद का परिवार के साथ साथ ये कई लोगों को रोजगार देते हैं 36 फॉर्म से जुड़े रहते हैं और सरकार को टैक्स पैदा करते हैं लेकिन जो इनका मान सम्मान होता है जो इनका ये उम्मीद करते हैं वो इनको नहीं मिलता है। मैं कई उदाहरण देता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो गैर कानूनी तरीके से शॉर्टकट से आगे आकर के वो आगे बढ़ करके मान सम्मान प्राप्त कर लेते हैं और
ये जो पीढ़ियों से सारा से अपना पसीना काम करके सींच करके लोगों को जो रोजगार देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, उनका मान सम्मान नहीं होता है। एक छोटा सा उदाहरण है कि अपन कभी किसी कभी कोई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कभी किसी समाज का कोई व्यक्तिगत मुद्दा हो या कभी किसी का छोटा सा काम, उसके लिए भी इनका स्वाभिमान को कभी पूछा नहीं जाता है और ज़बरदस्ती कहते हैं कि आपको ये मार्केट बंद करना है, ये करना है। ये एक्चुअली इनसे बहुत ज़्यादा हाथ और हम लोगों को भी होता है। हम भी राजनीति में जुड़े हुए हैं, कभी कभी अपने शर्म आती है कि ये जो आदमी इनको अपन जा करके राय ले लें, इनका आशीर्वाद ले लें, इनका सहयोग लेने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन अपन भोगते हैं ना, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। और आज ये जो अपने जो शक्ति बदल चुकी है, मैं इसके लिए वो एक सबसे बड़ा कारण है कि लोग कोई भी आकर के इसके लिए अपन सब जनप्रतिनिधि हो या सब व्यापारी बन करके अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं आप लोगों को आशा करता हूँ कि अपन जो भी संघ बना है अपना अपना जगह जैसलमेर व्यापार संघ की महासंघ के सब सदर पुधारी भी सामाजिक मंच विराजमान सभी सभी व्यापारीगणों, बहुत कुछ बातें सभी वक्ताओं ने अलग अलग की। मैं तो गर्व करता हूँ आज ही नहीं प्राचीन काल से हमारा देश में व्यापार में मिट रहा है। इसके उदाहरण चपट हवेली को देख लो, चाहे दूसरी हवेलियों को देख लो और यहाँ की दंत कथाओं को देख लो कि जैसलमेर काबुल से करके दिल्ली तक एक व्यापार का मेन सेंटर था और उस टाइम भी हमारे व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करते थे और आमजन को सुविधा देते थे। आज जिस हिसाब से आप सभी छोटे व्यापारियों बड़े व्यापारियों ने जो महासंघ बनाया है, मैं सभी व्यापारी गणों को व्यापार गण के अध्यक्ष को पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय में आपका व्यापार ईमानदारी से आगे बढ़े और जैसलमेर के विकास में विशेष भागीदार बने। मैं चाहता हूँ कि आपके व्यापारियों ने जैसलमेर के किसी भी कोई भी योजनाओं के बारे में हो, चाहे मेडिकल के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो, बढ़ करा गया आया उसके लिए आपको और आपके पूर्वज व्यापारियों को बहुत बहुत साधुवाद और साधु वंदन करता हूँ। और चाहता हूँ आने वाले समय में हम सब मिलकर जिस हिसाब से कई व्यापारियों ने कहा, वक्ताओं ने कहा GST के बारे में, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी द्वारा चुनी हुई सरकार ने इसके लिए अलग अलग, चाहे इनकम टैक्स के हो, चाहे सेल टैक्स के हो, सेमिनार लगाए और उसमें बहुत कुछ सरलीकरण के लिए कोशिश की, चाहे हमारे व्यापारियों को कोई भी कठिनाई नहीं, वो आगे बढ़कर हमें सहयोग दें। जहाँ तक नगर परिषद की चेयरपर्सन से कहा था कि अपनी कुछ बहुत बड़ी जैसलमेर में स्वच्छता के बारे में आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि हमारा जैसलमेर जो पूर्वजों ने सुंदर बना के हमारे को दिया है और हमें भी इसका नाज है कि हमारा जैसलमेर के अंदर जन्म हुआ, दो चार दिन की घटनाएं हमने सुनी थी, पुलिस का कुछ आक्रोश रहा, व्यापारी हमारे परेशान रहे, हमने उनकी बात चलाई, जो भी उन्होंने गलती की उसको रियलाइज करवाया और यही उनको कहा था कि व्यापारी ये नहीं चाहते हैं कि हमारा कहीं सजा लगा उसको हटाओ, कहीं ठेला बात लगा उसको नहीं हटाने का, आपको ट्रैफिक के बारे में करना है। और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, दुकानों के आगे इतनी मोटरसाइकिलें आ जाती है कि चलना मुश्किल हो जाता है, कला साहब आपने भी देखा होगा। हम चाहते हैं कि आज जिस प्रकार से SP साहब ने साइकिल से रैली की थी और अपने को पैदल चलने को कहा, आप ग्वालदा जी को ले लो, ग्वालदा जी घर से दुकान दूरी नहीं है, अब चाहे तो इनके पास खूब सारी गाड़ियां लाओ, हर कोई एक गाड़ी 10-15 फीट का एरिया रोकती है, एक मोटरसाइकिल 5-7 फीट का रहता है,
और साइकिल केवल ये समझो 5x ज्यादा फिट का, तो आप उससे करो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा या पैदल आओ उसका एक संदेश अलग जाएगा और अपनी बाजार इतनी खुली हो जाएगी कि कोई भी कंपन आपके यहाँ व्यापार लेने के हर सामान लेने की इच्छा जाएगी। मुझे खुद को भी इस चीज का नाज है कि हमें हमारे व्यापारी सहयोग देंगे। हम चाहते हैं फिर भी कोई भी दूर से आता है आपके अलग से ये व्यवस्था करेंगे। आपका व्हीकल मैं चेयरपर्सन बिराजे या नगर परिषद के इनको भी कह रहा हूँ अलग से ट्रैफिक के लिए होना चाहिए। हम चाहेंगे इसी जगह आने वाले समय में बोर्ड में मीटिंग है कि व्यापारियों की परेशानी है उसको दूर करेंगे। चाहते हैं आज इस प्रकार का आपने सम्मेलन रखा है, छोटे और बड़े व्यापारी सबको साथ में लिया है। मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ, यही चाहता हूँ आने वाले समय में चाहे जी साहब हो चाहे अध्यक्ष अधिकारी पदाधिकारी में हमेशा सुझाव देते रहे और इसका कैसे सरलीकरण हो ताकि व्यापारी हमेशा अपनी दुविधा कम रखे, व्यापार में टैक्स दे, जो भी टैक्स कायदे से लगता है उसमें सहयोग करें। यही चाहते हैं जो अच्छे बड़े व्यापारी हैं जो समझदार है वो छोटे और बड़े व्यापारियों को लाकर चलें साथ लेके चलें और हमेशा सहयोग में हाथ बढ़ाएं। उन्हें आप सब बधाई और हमें भी बुलाया ऐसे बड़े सम्मेलन में, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद जय किसान। समाहित करने वाला वो ओम में सब समाहित है वो एक लोगो व्यापार संघ ने तैयार किया है और माननीय विधायक महोदय और सम्मानित मंच द्वारा उसका विमोचन किया जा रहा है। पूरे उपस्थित सभी सभी व्यापारियों से एक बार पुनः मेरा बार बार आग्रह जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मीटिंग में लोड कर सकते हैं।